भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज अमृत काल में पंचायतों को प्रोत्साहित करण पोषणीकरण राष्ट्रीय सम्मेलन, ये चार दिनों का राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में देश की राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच आई हैं। मैं एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से आपका सम्मान करेंगे। महोदया, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह एवं पंचायती राज मंत्रालय के पांच दिनों के राष्ट्रीय सम्मेलन की श्रृंखला के उद्घाटन समारोह में पधारी माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का पंचायती राज मंत्रालय की ओर से ढेर सारी शुभकामना स्वागत करता हूं। माननीय, यह हमारे लिए गौरव की बात है, आपने अपना सामाजिक जीवन भी उड़ीसा राज्य के राय रंगपुर पंचायत के काउंसिलर के रूप में स्वागत किया था। आज हम गर्व से कह सकते हैं देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति से लेकर के सबसे जमीनी इकाई के लोकतांत्रिक इकाई ग्राम पंचायतों तक की कमान नारी शक्ति के हाथों में है। आज इस अवसर पर हमारे बीच हमारे सहयोगी मंत्री माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, हमारे सहयोगी मंत्री भाई कपिल मुनीश्वर पाटिल जी, देश के विभिन्न राज्यों के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री जी, पूरे देश में वर्चुअल से जुड़े हुए देश के पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री सचिव, पंचायतों के अध्यक्ष एवं विभाग के सचिव सुनील कुमार जी, हमारे अन्य विभाग के आए हुए अधिकारीगण, राज्य एवं विभिन्न संस्थानों से आए हुए प्रतिनिधिगण, आज हमारी सरकार देश के हर नागरिक के लिए ढेर सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। ये सारी जन कल्याणकारी सुविधाओं को आपके बिना मुहैया कराना नामुमकिन था, इसीलिए आज प्रधानमंत्री के चाहे गरीब कल्याण के लिए अनाज मुहैया कराना हो, ये भी आप ही के द्वारा हो रहा है। आज आजादी के 75वें वर्ष अमृत काल में और पंचायती राज के संविधान के 73वें संशोधन के 30 साल बाद भी मैं ये कह सकता कि कुछ राज्यों ने जरूर इनके अधिकार को दिए हैं, उनके लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूं। और आज कहूंगा, आज आप अपने आप में राज्यों को एक निर्णय लेने का समय आ गया है कि आप पंचायती राज को उनके कानूनी अधिकार दें। महोदया, इन संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी है और हमने भी कुछ जिम्मेदारियां ली है। 30 साल यह माहौल बनाने की कोशिश की कि पंचायती राज व्यवस्था जो कभी हमारे पूर्वजों ने ग्राम स्वराज की कल्पना देखी थी वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, वाइब्रेंट पंचायत हो। आज मैं इस लक्ष्य के लिए प्राप्ति की ओर किए गए मेहनत को अवार्ड के रूप में पहचान करके आपके हाथों से देने का काम की जाएगी।
मैं इसके लिए अपनी टीम जिसने पैरामीटर को बदलने का काम किया कि देश कैसे आज कार्बन न्यूट्रल हो, वाटर सफिशियंट हो, कैसे शिक्षा युक्त हो, रोजगार युक्त हो, इस ढंग से हमने पूरी टीम को भी धन्यवाद देने का काम करता हूं। एक और आपके सामने में रखना चाहूंगा कि पहले टोटल 2.68 लाख पंचायतों में से 10-20% ही भागीदार होते थे, आज 90% से अधिक पंचायतों ने आज अपने आप को भागीदारी ली है। इस अवार्ड में संबंधित लाइन मंत्रालयों ने उपलब्धि की जांच की, ब्लॉक से लेकर के केंद्र तक, तब उनको चिन्हित किया गया, उनको पहचान उनका बना, उनको आज अवार्ड मिल रहा है। लेकिन मैं लाइन मंत्रालय के अधिकारियों से कहूंगा और राज्य के मंत्रियों से कहूंगा कि आप सारे मंत्रियों के साथ, सेक्रेटरी के साथ सेंटर से लेके राज्य में मीटिंग हो और सैचुरेशन मोड में उस पंचायत को ले जाया जाए। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में है तो वहां पूरा दिया जाए, पर्यावरण के क्षेत्र में है तो वहां भी सैचुरेशन मोड पर ले जाने का काम केंद्र से लेके राज्य के लाइन मिनिस्ट्री का दायित्व बनता है। महोदया, मैं एक आपसे आपके माध्यम से, आपके उपस्थिति में मैं आज कहूंगा कि आज देश में जम्मू कश्मीर सबसे कम उम्र का पंचायती राज व्यवस्था का, पिछले वर्ष वहां चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान किया है 2030 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट, कार्बन न्यूट्रल पंचायत, कार्बन न्यूट्रल गांव। आज जम्मू कश्मीर ने केवल 29 विभाग नहीं दिया बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये कंपटीशन की भावना जगी है कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत कैसे हो। ये एक मैं उनको धन्यवाद देने का काम करता हूं। पिछले 30 सालों में काफी कुछ किया, कई राज्यों ने होलिस्टिक डेवलपमेंट तो नहीं कर पाए लेकिन उन राज्यों के प्रतिनिधि, मंत्री, सेक्रेटरी आज पंचायतों के कामों के द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। मैं उनको भी ये आग्रह करता हूं कि आने वाले दिन में केवल पंचायतों के माध्यम से रिवार्ड के बदले ग्रामीण विकास मंत्रालय के होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के एक डेवलपमेंट का मॉडल रखें और ऐसा मॉडल रखें जो आने वाले दिन में 9 थीम जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी है उस थीम के आधार पर हम हर पंचायत को सैचुरेशन मोड पर ले जाने का काम करें। मैं आप की उपस्थिति में आज मैं इतना ही कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री, देश का वित्त आयोग उनके नेतृत्व में पहले हम 54 रुपीज प्रति व्यक्ति तक देते थे, आज लगभग 700 प्रति व्यक्ति वित्त आयोग के पैसे देते हैं विकास के लिए। ये एक, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का मानना है देश का विकास तभी संभव है जब पंचायतों का विकास होगा, पंचायत ही देश का केंद्र बिंदु बनेगा। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहूंगा, अभी 21 राज्य हैं जिन्होंने आधी आबादी को आज प्राथमिकता के आधार पर उन्हें अवसर दिया है चुनाव लड़ने का और
त्रिस्तरीय पंचायतों में जीत करके आने का, जो राज्य अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं वो राज्य भी अग्रणी भूमिका निभाने का काम करें। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, आज देश के प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है, ऐसा पंचायत जो गांव में झगड़ा मुक्त पंचायत हो। जब लड़ाई झगड़े अक्सर होते हैं, पंचायतों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वामित्व योजना लाया। वो स्वामित्व योजना ऐसी योजना जो डिजिटल और ड्रोन से हम घरों का, मेरे दादाजी का घर, मेरे पिताजी, चार भाई, मैं 16 भाई, लेकिन किसी के हाथ में हमें डिम्ड रजिस्टर सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ऐसा कार्य किया जो हमने कभी सोचा नहीं था। अभी हम गांव को, घर को एक डिजिटल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले दिन में बैंक भी उन्हें उससे उनको ऋण दे रहा है। आज तक गांव के बैंक गांव के संपत्ति को कभी नहीं दिया, ये पंचायत में हो रहे हैं। और केवल यही नहीं प्रधानमंत्री ने की, आपको जान करके खुशी होगा कि देश के अंदर में अभी 6.57 लाख गांव में हमने 6.22 लाख गांव, यानी 95% लगभग गांवों का जो जमीन है। एक समय ऐसा आएगा जैसे मोबाइल का नंबर दूसरे नंबर से नहीं मिलता, उसी तरह हर जमीन के टुकड़े का एक भू आधार होगा। और जब ये भू आधार होगा तो देश में एक ही नंबर होगा, गांव इस राज्य से लेकर के उस राज्य तक। ये प्रधानमंत्री के सपनों के आधार पर ये एक नए कदम हम उठाने का काम कर रहे हैं, आपको भरोसा दिला रहे हैं कि आज हम ड्रोन भी 2.5 लाख से अधिक गांवों में उड़ान पूरा कर चुके हैं, 64,000 से अधिक गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड दे चुके हैं, 57,000 से अधिक गांव ग्राम वासियों को संपत्ति कार्ड दे चुके हैं। उसी तरह से आज पूरे देश में जो भी जमीन का खरीद बिक्री होता है वो पूरे देश में डिजिटल हुआ है। अब 22 लैंग्वेज में, चाहे मराठी कोई हो हिंदी में निकालना चाहता हो तो वो हिंदी में डॉक्यूमेंट्स लेगा या देगा, ऐसी व्यवस्था ये सरकार कर रही है। और ये मोदी जी के सपनों को आपके सामने रखने का काम किया हूं, और आपको विश्वास दिलाता हूं, एक तरफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 31 लाख देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का काम, और एक ग्राम स्वराज अभियान, एक ऐसा अभियान, एक ऐसा कृति जो आज देश के अंदर में सस्टेनेबल विलेज हो, एक होलिस्टिक अप्रोच में वाइब्रेंट विलेज हो, एक ऐसा पंचायत। लोग कहते हैं कि वाइब्रेंट शहरों का, लेकिन अब आने वाले दिन में वाइब्रेंट विलेज होगा, वाइब्रेंट पंचायत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।